मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने लाल किले से एक बार फिर से भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बल दिया है। बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि भारत में वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जब पूरी चर्चा हुई, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरा सपना है कि भारत में वन नेशन वन सिविल कोड हो। भारत में अब तक 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सबके हित में है। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, समान विधान, सबके लिए एक जैसा विधान, यानी सेकुलर सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा सिविल कोड जो जेंडर न्यूट्रल हो, रिलीजन न्यूट्रल हो, सभी पंथ के लिए, सभी मजहब के लिए समान कानून हो और महिला पुरुष के लिए भी एक समान कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए जरूरी है कि यह कुरीतियों को खत्म कर देगा। भारत में अभी कम से कम 10 से 15 कुरीतियां चल रही और विदेशी कुरीतियां हैं। जैसे भारत के अंदर जो कुरीतियां शुरू हुई उनको खत्म करने के लिए कानून बना, सती प्रथा के लिए कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना और भी कई सारे कानून बने, लेकिन जो मुगलों के साथ कुरीतियां आई उनको खत्म करने के लिए कानून नहीं बना। मुगलों के समय में बाल विवाह आया, अब हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए बाल विवाह तो अपराध हो गया, लेकिन मुस्लिम्स के लिए बाल विवाह अपराध नहीं है क्योंकि 1937 का शरीयत एक्ट उनको 9 साल में शादी करना अलाउ करता है। बाकी सबके लिए बहुविवाह अपराध हो गया, लेकिन मुस्लिम्स के लिए बहुविवाह भी अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो 1937 का शरीयत एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था वो अलाउ करता है। हलाला चल रहा है, ये भी विदेशी कुरीति है। मुताह चल रहा है, ये भी विदेशी कुरीति है। मिसयार चल रहा है, ये भी विदेशी कुरीति है। तहरुस चल रहा है, ये भी विदेशी कुरीति है। 3 तलाक तो खत्म हो गया, तलाक बिद्दत, लेकिन अभी भी 4 तरीके का और तलाक चल रहे, वो भी एक तरफा होते हैं, मनमाना होते हैं, उसमें भी पत्नी से पूछा नहीं जाता कि मैं दूं या ना दूं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तलाक हसन आज भी चल रहा है, तलाक एहसन आज भी चल रहा है, तलाक बाइन आज भी चल रहा है, तलाक किनाया आज भी चल रहा है, और ये भारत की कुरीतियां नहीं है, ये विदेशी कुरीतियां हैं। तो मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो इतना जोर डाल रहे हैं, और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वास्तव में वो महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वास्तव में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या बदला गया इसको आप समझिए। लड़के और लड़की की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी, यानी हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, लड़का हो या लड़का लड़की, शादी की उम्र सबकी एक समान होगी। मिनिमम एज अगर 18 होगी तो सबके लिए होगी, 20 होगी तो सबके लिए होगी, 21 होगी तो सबके लिए होगी। अच्छा है ना, इससे कम से कम सभी बेटियां भी पढ़ेंगी, सभी बेटियां आगे बढ़ेंगी, बेटी पढ़ेगी तभी तो बेटी आगे बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बाल विवाह बंद होगा, फिजिकली मेच्योर होगी, मेंटली मेच्योर होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक जैसा हो जाएगा और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा। यानी जो आज ये तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-बाइन, तलाक-ए-किनाया, ये जो विदेशी कुरीति चल रही है बंद हो जाएगी, सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। नपुंसकता के आधार पे होगा तो सबका होगा, बाजपन के आधार पे होगा तो सबका होगा, कोड के आधार पे होगा तो सबका होगा, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होंगे सबके लिए कॉमन होगी। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, सबका कोर्ट के जरिए होगा, कोर्ट के बाहर किसी का नहीं होगा, तो इससे तो सबका फायदा है। इसमें रिलीजन कहां से आ गया बीच में? अगर बच्चा गोद लेने का अधिकार हिंदू जैन बौद्ध सिख को है तो मुस्लिम बेटियों को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार हिंदू जैन बौद्ध सिख को है, हमारी मुस्लिम बेटियों को भी बच्चा भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार हिंदू जैन बौद्ध सिख में है, हमारी मुस्लिम बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा। विरासत का एक समान अधिकार हिंदू जैन बौद्ध सिख में है, मुस्लिम बेटियों को भी मिल जाएगा। वसीयत का एक समान अधिकार हिंदू जैन बौद्ध सिख में है, मुस्लिम बेटियों को भी एक मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू होता है तो हमारी हमारे मुस्लिम भाइयों पे भी लागू हो जाएगा। भैया एक पति एक पत्नी सबको करना है, और ये तो जरूरी भी है। अल्टीमेटली 4 शादी करना ये रीति नहीं है, कुरीति है, ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। हलाला कुप्रथा है, मुताह कुप्रथा है, मिसयार कुप्रथा है, और हमारा संविधान रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन है, आर्टिकल 29 में राइट टू कल्चर है, राइट टू कस्टम है, लेकिन ये जो राइट टू कस्टम है
ये रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं, प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथाओं को नहीं। तो इसलिए और आर्टिकल 44 स्पेशली कहता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और समान नागरिक संहिता तो हमारे भारत के संविधान की आत्मा है। आज की डेट में जो संविधान चल रहा है, जो कानून चल रहे हैं, ये बिना आत्मा के चल रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू नहीं हुआ। बाकी जगह यूनिफॉर्मिटी है लेकिन इस पर लागू नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत फायदा होगा इससे। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं या अखिलेश विरोध कर रहे हैं या ओवैसी विरोध कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है कि शरीयत आपको लागू करने के लिए मिलेगी? कहां लिखा हुआ है कि हलाला मुताहम इश्तियार करने को मिलेगा? कहां लिखा है आपकी विदेशी कुरीतियां आप जारी रख सकते हैं? अरे भारत का संविधान आर्टिकल 25 में जो राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक से पढ़ लीजिए आर्टिकल 25 को, झूठ बोलना बंद करिए। लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। आप उन्हीं रीतियों को फॉलो कर सकते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, जिससे आप स्वास्थ्य खराब ना हो और जो भारत की संस्कृति के अनुरूप हो। यह भारत का संविधान भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बना है, भारतीय प्रथाओं को प्रमोट करने के लिए बना है। भारत का संविधान जननी जन्मभूमिश्च इस सिद्धांत को मजबूत करता है। भारत का संविधान यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत को मजबूत करता है। भारत का संविधान वसुधैव कुटुम्बकम कहता है। भारत का संविधान वन नेशन वन लॉ की बात करता है। भारत का संविधान एक देश एक विधान की बात करता है। भारत का संविधान जेंडर न्यूट्रल रिलीजन न्यूट्रल कानून की बात करता है। और आप कह रहे हो कि नहीं 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 हमारे शरीयत में दिक्कत आ जाएगी हमारी। अरे भैया, ये शरीयत कुप्रथाओं के लिए थोड़ी बनी है, ये शरीयत कुरीतियों के लिए थोड़ी बनी है। और वैसे भी ये संविधान भारत का है, ये अरब का नहीं है। और जहां की आप शरीयत की बात कर रहे हैं वहां तो बहुत कुछ बैन है। दुनिया के कई इस्लामिक देशों में आज की डेट में मौखिक तलाक नहीं होता, भारत में तो हो रहा है। दुनिया के कई इस्लामिक देशों में हलाला बलात्कार घोषित कर दिया गया है। हमारे देश में हलाला को आज भी कस्टम मान के बैठे हुए। दुनिया के कई देशों में दूसरी शादी करने के पहले पत्नी शादी पहली पत्नी से पूछना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चार शादी करेंगे। और चार शादी करेंगे कैसे? 1000 लड़के पे 930 तो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या तो पहले ही कम है। उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो दो शादी करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे। अरे चार कर लोगे तो फिर दूसरे लोग शादी कैसे करेंगे? फिर तो बाकी लोग कुंवारे रह जाएंगे अगर आप चार चार शादी करोगे। इसलिए ये जो इंडी गठबंधन के तथा कथित सेकुलर नेता हैं, जो सुबह से लेकर संविधान दिखाते रहते हैं, वास्तव में बहुत बड़े संविधान विरोधी हैं। ये महिला विरोधी हैं, ये इस्लाम विरोधी हैं, ये मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि भारत में UCC ना आए, जिससे भारत में एक तो अराजकता फैलती रहे, मुसलमान पीछे रहे, वो मेन स्ट्रीम में ना आ पाए। भाई 9 साल में अगर शादी हो जाएगी तो बेटी पढ़ेगी कैसे? पढ़ेगी नहीं तो उसको सब आगे उसको देश दुनिया की समझ कैसे होगी? 9 साल में उसका अगर निकाह हो जाएगा, 15-16 साल तक होते उसके बच्चे हो जाएंगे, 20 साल होते उसके 3-4 बच्चे हो जाएंगे, तो उसकी पूरी जिंदगी इसी में चली गई। बच्चा पैदा करो, बच्चे को पालन पोषण करो, बच्चा पैदा करो, पालन पोषण करो। वो वास्तव में जिंदगी क्या होती है, जिंदगी किस लिए होती, समझेगी कब? इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो UCC के लिए आगे बढ़ रहे हैं। UCC लागू होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ यूनिफॉर्म एजुकेशन भी लागू होना चाहिए, क्योंकि भारत में हजारों स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो भारत के खिलाफ नफरत सिखाते हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ नफरत सिखाते हैं। हजारों भारत में ऐसे स्कूल चल रहे हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम को नहीं मानते, जो नारी तू नारायणी को नहीं मानते। हजारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कहा गया है कि वंदे मातरम बोलना हराम है। हजारों ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे भारत के त्यौहार को मनाना, भारत की संस्कृति को मनाना, भारत की विचार को आगे बढ़ाना, इसके खिलाफ नफरत सिखाई जा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन भी होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा और यूनिफॉर्म एजुकेशन भी लागू होगा।